छत्तीसगढ़ भाजपा एवं मनिंद्रगढ़ के पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि चिरमिरी में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। दीपक पटेल अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के सर्वोत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजे गए थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि दीपक पटेल मनिंद्रगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की थी। भाजपा युवा मोर्चा के 1992 में जिला उपाध्यक्ष थे, फिर 1995 में कार्यकारिणी सदस्य बने। सन 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भाजमो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2008 में पार्षद निर्वाचित हुए, नगर पालिका चिरमिरी का दायित्व मिला। 2008 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2009 में सभापति, पुस्तकालय समिति, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्य बने। इसके बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति, विशेष अधिकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, सन 2010 में सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधित समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, प्रयोजन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति के सदस्य रहे। भाजपा के कद्दावर नेता दीपक पटेल संगठन के बड़े नेता माने जाते रहे। इस दौरान वो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीपक कुमार पटेल सन 2008 से 2013 तक भाजपा से अपने उत्तम कार्यों के लिए मनिंद्रगढ़ विधायक और 2009-10 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इस दौरान वो समय समय पर कोरबा जिले के संगठन प्रभारी रहने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के संयोजक थे और युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके दीपक पटेल नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अपने विधायकी के कार्यकाल में चिरमिरी क्षेत्र में जल आवर्धन योजना की स्वीकृति उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 4थाई न्यूज़।